हरिओम। प्रभु जी चमत्कारी बाबा के नाम से विख्यात श्री नीव करौली बाबा के बारे में दो भाग अपने अनुभव, अपने संस्मरण आप तक पहुंचे हैं। प्रभु जी, लोगों की जिज्ञासाएं आई हैं कि बाबा जी के चमत्कारों का रहस्य क्या है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ज़्यादातर बाबा जी के चमत्कारों को ही देखा है और सुना है। प्रभु जी, हमने पहले भी आपको बताया था कि सिद्ध संतों के जीवन में चमत्कार घटते हैं और उससे लोग आकर्षित होते हैं और फिर उन्हें जो ज्ञान मिलता है उससे परमात्मा की राह पर आगे बढ़ते हैं और उन्हें स्वयं को जानने का और परमात्मा को जानने का अवसर मिलता है। मैं ज़्यादातर चमत्कारों की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि जो लोग सिद्ध संत के साथ जुड़े हैं वो तो आस्था और विश्वास से जुड़े हैं, बाकी जो लोग हैं या जो आज की नई पीढ़ी है वो हर घटना के पीछे के विज्ञान को जानना चाहती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अगर मैं आपसे सीधे सीधे से कह दूं कि नीव करौली बाबा क्या एक बार भंडारा था, तेल खत्म हो गया पूड़ी का, उन्होंने कहा कि पानी लाके डाल दो, और पानी लाके कढ़ाई में डाला, पूड़ियाँ सिक गई, बाद में वो पानी कढ़ाई में तेल कढ़ाई में वापस भेज दिया। कहीं जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया तो ड्राइवर ने कहा क्या करें बाबा जी, जाना तो ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो पानी लाके डाल दो, गाड़ी चल गई। देवराहा बाबा जी के भी साथ इस तरह की चमत्कारिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये सीधे सीधे से आपको बताने से इसका कोई लाभ नहीं है। नई पीढ़ी तो इसमें बहुत से संशय उत्पन्न कर देगी। हालांकि भक्तों ने बताया है, और नीव करौली बाबा के बारे में तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक विनोद शुक्ल जी हैं, पत्रकार हैं, बाबा जी के भक्त हैं, उन्होंने गांव-गांव जाकर नीव करौली बाबा के जो स्थान हैं उन स्थानों पर जाकर उनके भक्तों से बात करके जो आज भी हैं शरीर में, जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं, उन लोगों से मिलकर और उन कहानियों को आप तक पहुंचाया है। ये अच्छी बात है, इससे लगता है कि किसी के अनुभव वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत लोग आ गए हैं नीव करौली बाबा की कहानियों को लेके, जिसमें टीवी स्टार, फिल्म के रामायण और महाभारत जैसे जो कहानियां हैं उनके किरदार भी आ गए हैं बाबा जी के बारे में बात करने के लिए। विदेशों के भी कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं नीव करौली बाबा को लेकर। लेकिन प्रभु जी, हमारा मानना ये है कि जब हम किसी संत के बारे में बात करें, किसी सिद्ध संत की बात करें, और जिनको आपने दर्शन किए हैं, जिनका सानिध्य मिला है, तो आप थोड़ी सी पड़ताल करें कि इसके पीछे कारण क्या है, चाहे वो चमत्कार का हो या उनके जीवन की घटी घटनाओं का हो, उसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियां क्या हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रभु जी,
एक बात तो ये भी है कि किसी भी संत के पूर्वाश्रम के बारे में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से संत हिमालय में अचानक दिखाई दिए, जगह जगह दिखाई दिए, उनके पूर्व में क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन जब कोई संत अपने पूर्वाश्रम के लोगों के संपर्क में रहता है तब ये तय होता है कि हाँ, उसका पूर्वाश्रम सबके सामने है। तब उसको जानने से, उन कड़ियों को जोड़ने से आसानी होती है कि ये सिद्ध संत के पीछे का वो तत्व क्या है, वो सामान्य जीवन से असामान्य कैसे बने, साधारण परिवार से निकलकर असाधारण कैसे बने, और हमें उसके पीछे के कोई तत्व, कोई शिक्षा, कोई ज्ञान हमें मिले तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी उस राह पर चल सकते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया है अपने प्रारब्धवश। उसका कुछ अंश हम अपनी साधना से हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है प्रभु जी। बाबा नीम करौली के जन्म स्थान तो आप सबको पता है, अकबरपुर में उनका जन्म हुआ। समय की बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि उनका जन्म किस समय हुआ, लेकिन जो कड़ियां जुड़ती हैं, जब हम आपसे कहें कि एक संत का यहाँ जन्म हुआ और वो असाधारण शक्तियों के मालिक होकर उन्होंने समाज में लोगों का उद्धार किया, तो ये जिज्ञासा जरूर होती है कि ये कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई। अगर प्रारब्ध भी कुछ है तो प्रारब्ध भी कोई ना कोई निमित्त बनाता है प्रभु जी। तो जो कड़ियां जुड़ी, मेरा तो प्रभु जी पूर्वाश्रम भी इसी तरह का रहा है, जिसमें कोई भी घटना हो उसके पीछे ये जानना होता है क्या, क्यों और कैसे। ये घटना क्या है, ये घटना क्यों घटी और ये घटना कैसे घटी, ये मेरे पूर्वाश्रम का कर्म क्षेत्र रहा है। तो जिज्ञासाएं भी उसी तरह की मन में रही हैं। और प्रभु जी, जो अब आपके मन में इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, संकल्प लें, कर्म करें तो कड़ियां जुड़ ही जाती हैं। तो नीव करौली बाबा के बचपन का किसी को नहीं पता, तो वो जो कड़ियां जुड़ी हैं, उनका प्रारब्ध, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नीव करौली बाबा का बचपन में ही विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। पहले क्या होता था, 7-8-9 वर्ष की लड़की और 9-10-11-12 वर्ष का बालक विवाह हो जाता था। विवाह के बाद लड़की अपने घर रहती थी और बाद में जब वो थोड़ी वयस्क हो जाती थी तब उसको हम गौना करा के लाते थे और गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। तो बाबा जी की इच्छा नहीं थी विवाह करने, लेकिन उनके पिता ने और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार उनका विवाह कर दिया। और विवाह के बाद प्रभु जी, वो होता है ना कि हमारे जो इस जीवन में जो हम आए हैं, इस शरीर से जो भी कार्य करने हैं, विशेष कार्य करने हैं, तो उसके भी बीज गर्भ में ही इस शरीर को प्राप्त हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। बाद में वो धीरे धीरे
विकसित होते हैं, निमित्त बनते हैं, कोई ना कोई निमित्त बनता है और उस शक्ति का एहसास कराता है, उसे मार्ग बताता है और हम वो विशेष कार्य पूर्ण करते हैं जिसके लिए प्रभु ने, परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है। बाबा जी के साथ भी ऐसी ही एक घटना घटी। और बाबा, नीप करौली बाबा कहते हैं कि 2 या 3 दिन घर से गायब हो गए और वो एक गांव है, हिरन गांव पहुंचे। हिरन गांव बाबा जी के जो अकबरपुर है वहां से लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि गांव बहुत पास पास होते थे, कुछ गांव बहुत एक दूसरे से सीमा गांव की लगी होती थी। एक गांव ये है, वहां तक आपके खेत हैं और वो खेत खत्म होते ही दूसरा गांव शुरू हो गया। ऐसा ही एक गांव था हिरन गांव। हिरन गांव में ब्राह्मण परिवार बहुत थे, कुछ कायस्थ परिवार भी थे और उसमें 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के शुरू में कुछ परिवार वहां से माइग्रेट होके और उत्तर प्रदेश के इस तरफ आ गए थे, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही एक कायस्थ परिवार भी वहां से माइग्रेट होके फर्रुखाबाद जिले में आ गया था और उसकी पीढ़ियां अभी भी वहां पर हैं, फतेहगढ़ में और कन्नौज में। वहां से पता चला कि हिरन गांव बहुत सिद्ध भूमि रही है, वहां संतों ने बहुत साधना की, ऋषि मुनियों ने वहां साधना की और वो गांव चारों तरफ से मंदिरों से घिरा था। उसे मंदिरों वाला गांव कहते थे, जैसे बरेली को आजकल आप लोग जानते हैं ना, लेकिन बरेली बहुत सिद्ध भूमि रही है। बरेली की सीमा पर चारों तरफ प्राचीन काल के सिद्ध मंदिर आज भी हैं, उन्हें किले कहते थे। किसी ऋषि ने वहां साधना करके उस बरेली की किलेबंदी कर दी थी चारों तरफ। जो लोग बरेली में रहते हैं वो जानते होंगे और लोग गए होंगे कि वहां की सीमा के चारों तरफ प्राचीन समय के मंदिर हैं। ऐसे ही हिरन गांव में सिद्धों की तपा स्थली रही और उसके आसपास, गांव में ही नहीं, आसपास 8 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सिद्ध स्थल भी रहे हैं, जिसमें एक हनुमान मंदिर था और एक वैष्णो देवी का मंदिर था। जो लोग बाबा जी पर बहुत पड़ताल कर रहे हैं, उनकी कहानियां आप तक ला रहे हैं, उनके लिए एक विषय भी हो सकता है ये कि बहुत सिद्ध हनुमान मंदिर था बाबा जी के जन्म के बाद, जहां वो जब घर से कुछ समय के लिए गए थे तो उस हनुमान मंदिर में गए थे, उनको एक साधु मिले थे, वो उनको ले गए थे उस हनुमान मंदिर में और वहां भी एक चमत्कारी बाबा रहे हैं 19वीं सदी के अंत में, यानी 1890 से और 1900 कुछ तक बहुत उनके चमत्कार थे, दूर दूर तक उनके किस्से थे। उनका नाम भी कुछ इसी तरह का था, स्वामी प्रागदास, ऐसे ही कुछ नाम था उनका। और हिरन गांव के बारे में एक बात और बता दें आपको कि वहां क्या होता था, पहले वहां आबादी नहीं होगी तो जो सिद्ध संत हैं उस स्थान पर जाते होंगे, वो साधना करते होंगे और साधना करते करते उनका शरीर पूरा हो जाता होगा और ये प्रथा बन गई थी कि उनको उसी अवस्था में उनको उनकी समाधि बना दी जाए या उसी अवस्था में उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। ऐसा कभी कुछ घटनाएं हुई होंगी और बाद में प्रभु जी प्रथा बन गई थी बहुत समय तक 19वीं शताब्दी में,
कि किसी का अंतिम संस्कार होता था तो गांव वाले कहते थे हमारे पूर्वजों की प्रथा है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ साधना की है। ब्राह्मण परिवारों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सीधे उसी स्थिति में चिता पर उनको बैठाकर और उनका अंतिम संस्कार कर देते थे या उनकी समाधि बना देते थे। बहुत समय तक रहा कि लिटाकर नहीं बैठाकर उनका दाह संस्कार होता था। ऐसी ही प्रथाएं हमारे यहाँ बहुत है पूरे देश में। उसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये किया इसलिए हम उनका पालन कर रहे हैं, पूर्वजों ने किया इसलिए हम उनका पालन कर रहे हैं। तो बाबा जी विवाह के बाद किसी घटना के कारण उस हिरण गांव में पहुंचे, वहां उनको कोई संत मिले, उन्होंने उनका वो बीज देख लिया था। ये प्रारब्ध था बाबा का घर से जाना, उनसे मिलना, उनके साथ दो दिन रहना। दो दिन नहीं, कुछ समय, लेकिन इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी नहीं है, दो दिन या तीन दिन। और वो बाबा जी को उन मंदिरों में ले गए, वैष्णो देवी के मंदिर में एक रात बाबा जी रहे, हिरण गांव में बाबा जी एक रात रहे, और एक रात उनको उस हनुमान मंदिर में ले गए, चमत्कारी बाबा जहाँ रहते थे उस स्थान पर। और वहाँ बाबा जी को बोध हुआ, वो संत उनके निमित्त बने और उन्होंने बाबा को उनके बारे में कुछ बताया। और वो बाबा जो थे, वो जो संत थे, जो नीम करौली बाबा के उसमें आए थे, वो जूनागढ़ से आए थे। जूनागढ़ गुजरात में है और जूनागढ़ के वो संत आते थे, वहां भंडारा होता था और आसपास के सब लोग जानते थे। और हिरण गांव में तो उस समय 19वीं सदी के शुरू की बात है, उस समय कायस्थ और ब्राह्मण परिवार रहते थे और वहीं से एक कायस्थ परिवार माइग्रेट होकर फरखाबाद आ गया था, फतेहगढ़ में, और वहां पर, और उस परिवार के, उस कायस्थ परिवार के घर में बाबा जी एक रात रहे थे, उन्हीं के यहाँ रुके थे। और बाद में उन्हीं की किसी पीढ़ी का बाबा जी ने कुछ विशेष चमत्कार दिखाया था उस फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उस परिवार का संबंध इसी हिरण गांव से था जो बाबा जी की जन्मस्थली के पास था। ये बातें आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी संत के जीवन में जो चमत्कारी घटनाएं घटती हैं, उसके पीछे उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी तपस्या होती है। लेकिन इस साधना, आराधना और तप के पीछे कोई न कोई गुरु होता है, कोई न कोई मार्गदर्शक होता है, जो उसके प्रारब्ध को देखकर उसे बताता है कि तुम ये करो, या शक्तिपात के द्वारा वो उनकी उन सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है और हमें बोध हो जाता है और हम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्मते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसे ही जूनागढ़ के को संत, भंडारा हुआ था वहाँ, उस भंडारे में बाबा जी आए थे अपने घर से और वहीं रहे दो तीन दिन। ब्राह्मण परिवार का था तो किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया और वहाँ उन संत ने उनको वैष्णव देवी के मंदिर में ले गए, वो उनको उस हनुमान मंदिर में रह गए और उस कायस्थ परिवार में बाबा जी एक या दो दिन रहे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का संबंध गुजरात से रहा है और स्थानों से रहा है तुम्हारे पूर्व जन्म का, इसलिए तुम्हें जिस निमित्त ईश्वर ने भेजा है उसको पूरा करना है, लेकिन तुम्हारे जीवन में गृहस्थ भी है। ये तो गृहस्थ भी है, ये तो बताया था नीव करौरी में जो उनको संत मिले थे, उनके जो गुरु जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था।
बाबा जी ने कहा कि मुझे आपके साथ चलना है, साधना करना है। उन्होंने कहा भंडारे के बाद मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। सारी व्यवस्था हो गई प्रभु जी, और भंडारे के 7 दिन के उस उत्सव के बाद बाबा जी अपने घर से बिना बताए और घर से गायब हो गए और उन संत के साथ गुजरात पहुंच गए, जूनागढ़ गए। और जूनागढ़ के बाद उन संत ने कोई स्थान दिखाया बाबा जी को गुजरात में ही, और वहां जाके बाबा जी ने साधना की। उस मंदिर में बाबा जी रहे, बहुत प्राचीन मंदिर था, वो हनुमान का मंदिर था, बहुत प्राचीन। बाबा जी ने वहां साधना की और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वहीं से पास में बबनिया के पास एक तालाब के किनारे एक आश्रम में बाबा जी वहां रहे। मेरे कहने का आशय ये है कि बाबा जी पूर्व में कोई महायोगी रहे होंगे, लेकिन उनके भोग शेष होंगे और उनको पहले के शेष पूर्ण कार्य भी पूर्ण करने होंगे, इसलिए उनका जन्म हुआ, बचपन में विवाह हुआ, गौने से पूर्व उनको संत मिले, वो उनको हिरणगांव और हनुमान मंदिर और वैष्णव मंदिर ले गए। जो लोग जानते होंगे वो अगर खोज करें उन्हें पता चल जाएगा हिरणगांव का नाम, हो सकता वो नाम बदल गया हो लेकिन पता चल जाएगा। हनुमान मंदिर के चमत्कारी बाबा का भी पता चल जाएगा, वैष्णो मंदिर आज भी होगा वैष्णो देवी का। और बाबा जी चले गए वहां, वहां उन्होंने वो जो जूनागढ़ वाले संत थे उन्होंने जो उनको बताया था, जो निर्देश दिया था, उसके अनुसार बाबा जी ने वहां साधना की, तप किया। उस तप से उनका वो प्रारब्ध जागृत हो गया। बताते हैं ना कि बहुत अच्छा, किसी कोई टीचर बताता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये साइंस में बहुत अच्छा है, ये बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, ये आर्ट्स में बहुत अच्छा है, और उसको फिर उसी उसमें जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी वो जो अंदर जो टीचर देख लेता है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। विज्ञान में उसकी रुचि बढ़ जाती है, जरा सी उसको टीचिंग मिलती है, कोचिंग मिलती है, और वो बहुत अच्छा विज्ञान का विद्यार्थी हो जाता है, अलग अलग विषयों का मास्टर देख लेता है, टीचर देख लेता है। इसी तरह आध्यात्मिक टीचर देख लेता है कि आपके अंदर क्या है, क्या बीज है, और उस बीज को जागृत करने के लिए वो दिशा देता है, आपको मार्ग बताता है और आपका मार्ग प्रशस्त करता है और कहता है तुम ये करो, ये तुम्हारा रास्ता है। और जब वो उस रास्ते पर जाता है, साधना करता है, तो परिणाम बहुत जल्दी मिल जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। ऐसा था बाबा जी का बचपन, जो कड़ियां जुड़ी हैं अकबरपुर से लेके फरुखाबाद तक, फतेहगढ़ तक। और बाबा जी बाद में फरुखाबाद ही आए, नीप करौरी। लेकिन इन सब का, इन स्थानों का भी आपस में कोई ना कोई तारतम्य होगा। अकबरपुर में उनको जन्म मिला, उनको गर्भ मिला, हिरणगांव पास में ही रहा, हिरणगांव सिद्ध स्थली रही है ऋषियों की, मैंने आपको बताया। हो सकता अकबरपुर और हिरणगांव एक ही रहे हों, एक ही का मतलब मिले मिले रहे हों, भूमि वही रही हो। अब भूमि में ऊर्जा होती है प्रभु जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब संत कोई साधना करता है तो साधना करते करते उसका जो मूलाधार से उस ऊर्जा का जो ऊर्ध्व गति में प्रवाह होता है, और जब वो शास्त्रार्थ से प्रभावित होती है तो फाउंटेन की तरह, और वो पृथ्वी में समाहित हो जाती है, और पृथ्वी में एक हिस्से तक जाके जब वो वापस आती है तो वो ऊर्जा मल्टीप्लाई सकारात्मक ऊर्जा लेके वापस आती है, और जब उस पृथ्वी पर उसका विकिरण होता है ऊर्ध्व गति में तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को वो घेर लेती है, और वो ऊर्जावान क्षेत्र होता है, और वहाँ बैठ के जैसे कोई साधना करता है
कोई पूर्वजन्म का योगी आता है तो वो कहता है कि यही मेरा स्थान है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। हिमालय में, उत्तराखंड में, कुमायूं में, गढ़वाल में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ दक्षिण के महापुरुष आए, उत्तर से महापुरुष आए और वो बैठे, उन्होंने साधना की, उन्होंने कहा यहाँ तो मैं कहीं ना कहीं रहा होऊंगा, यहाँ मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी एक कथा है कि वो आए थे नैनीताल और वो भी एक स्थान पर बैठे थे, उन्हें भी लगा था कि यहाँ कुछ है। स्थान का प्रभाव होता है प्रभु जी, और जब आपका प्रारब्ध होता है गर्भ में, बीज में, वो क्या कहते हैं, एक सिम आपके जो अंदर होती है उसमें वो फीड होता है पहले से। समय आने पर आपको वो कोई ना कोई माध्यम मिलता है और आप जाते हैं, आप साधना करते हैं। कहाँ अकबरपुर, कहाँ गुजरात, कहाँ नीब करौली, कहाँ वृंदावन और कहाँ कैंची धाम नैनीताल। एक जन्म में तो ये संभव नहीं होता, लेकिन बाबा जी की ये चीजें जागृत हुई किरण गांव में, हनुमान मंदिर में, वैष्णो देवी मंदिर में, पली बढ़ी गुजरात में, और बोध हुआ नीब करौली में, इसलिए उनको नीब करौली के नाम से जानते हैं। चमत्कारी घटनाएं नीब करौली में ही घटी। देवराहा बाबा को कई नामों से लोग जानते थे, पेड़ वाले बाबा, मचान वाले बाबा, बाद में देवराहा बाबा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो घटना घटी थी, जो बोध हुआ था, वो देवरा के जंगल में हुआ था, और जब वो देवरा के जंगल से आए तब चमत्कार घटे और उनको देवरा बाबा के नाम से जानने लगे। तो संतों के नाम के पीछे भी प्रभु जी ये कहानियां होती हैं, संतों के नाम के पीछे भी कुछ निहित होता है और घटना भर घटती है। प्रभु जी यहाँ तो दोपहर में भी कब बादल आ जाए नहीं पता होता है, मौसम बदलते देर नहीं लगती है। देखिए आज फिर, आज लगा था कि आपसे बहुत देर बातें करेंगे, लेकिन देखिए, और मुझे किसी प्रेमी ने बताया था कि मैं कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लूं, क्योंकि गंगा जी का प्रवाह बढ़ रहा है और पता नहीं चलता है, अचानक यहाँ प्रभु जी अचानक एकदम गंगा जी का विस्तार हो जाता है। तो मैंने ये सुरक्षित स्थान ढूंढा है, ये एक सीमेंट का एक बेड जैसा है गंगा जी का, जिसका आधा हिस्सा गंगा जी के अंदर आया है, लेकिन चारों तरफ देखिए गंगा जी है। आभार है जिन्होंने मुझे कहा था गंगा जी में सुरक्षित स्थान देख लीजिए, वो पत्थर बदल लीजिए, और मैंने देखो बदला और मुझे कितना सुरक्षित और कैसा स्थान मिल गया। बारिश आ गई प्रभु, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। अब आपके आसन में चल के आपसे बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ आप नहीं बैठने देंगे। आज लगा था कि बहुत देर बातें करेंगे, दो या तीन वीडियो आपको अपलोड करेंगे, लेकिन एक की ही बात हो पाई है। तो गंगा जी का आनंद लीजिए, ये देखिए गंगा जी का दृश्य देखिए, बारिश आ गई है तो बारिश देखिए, मैं भीगने भी लगा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।